हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ एनसीईआरटी आरबीएससी, है ना। कोई भी स्टेट बोर्ड हो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 4 आज से हम प्रारंभ करने वाले हैं, चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। चैप्टर 4 को स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ हम बेसिक जो होता है वो समझ लेते हैं, क्योंकि तो बेसिक समझना बहुत जरूरी है। बेसिक से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और प्रश्न वाली जो आपकी एक्सरसाइज है वो आसान हो जाती है। तो द्विघात समीकरण को समझते हैं पहले। तो इसकी सिंपल सी बात डेफिनेशन है एक, कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो। कितनी घात हो? 2। जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2, क्या कहलाएगा? वो द्विघात समीकरण कहलाता है। जिसकी अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। अब इसका एक व्यापक समीकरण है द्विघात का, क्या है? एक व्यापक समीकरण, ये लिख लेते हैं अपन। द्विघात का व्यापक समीकरण वो क्या है, है ना। ये तो हमको मालूम चल गया, द्विघात का मतलब जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2, वो कहलाता है आपका द्विघात समीकरण। अब बात करेंगे इसके व्यापक समीकरण की। तो इसका जो व्यापक समीकरण है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 0। ये इसका व्यापक समीकरण है। अब एक बात यहां बिल्कुल ध्यान रखनी है कि यहां पर जो a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि मैंने a को यहां पर 0 कर दिया, a को मैं यहां पर 0 कर दूंगा, तो 0 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करूंगा, तो आपको पता है 0 का मल्टीप्लाई हम किसी से भी करते हैं तो, और यदि आंसर 0 आएगा तो इसका मतलब वह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, वह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। इसलिए कभी भी एक ही वैल्यू आपको 0 नहीं रखनी है, इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। अब कुछ समीकरणों को हम देखते हैं और कुछ समीकरणों को देखकर हम अनुमान लगाते हैं। ये तो मालूम चल गया आपको व्यापक समीकरण। तो कुछ समीकरण देखते हैं और उनसे अनुमान लगाते हैं अपना। अधिकतम घात 2, जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस 5 बराबर 0, तो क्या ये एक द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है, क्लियर। क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है आपकी? 2, तो ये द्विघात समीकरण है। अभी मैं यहां लिखता हूं यहां पर देखो अधिकतम घात कितनी है इसकी? 3। अब अधिकतम घात कितनी है इसकी? 3, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। यदि मैंने ऐसे लिख के दिखाया आपको एक्स प्लस 2, ठीक है, एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब इसकी अधिकतम घात कितनी है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। यदि मैं लिख देता हूं ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, अब अधिकतम घात कितनी है इसकी? 2, तो ये द्विघात समीकरण है। सिंपल सी बात है, कोई माथापच्ची वाली बात नहीं है। जिसमें अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा आपका। एक एग्जांपल और लेते हैं, 3x² प्लस 2x², यहां मैं इसको 3 कर देता हूं, प्लस 5=0। अब देखो यहां x की पावर 2 भी है और यह 3 भी है, तो अधिकतम कितनी है? 3, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है साहब, नहीं है। यदि मैं ऐसे कर देता, इसकी 2 कर दूं मैं और इसकी मैं 3 कर दूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग में 2 आ रहा है तो द्विघात समीकरण हो गया, नहीं। आपको मालूम करना है पूरे समीकरण के अंदर कि अधिकतम घात कितनी है, तो अधिकतम घात कितनी है इसकी? 3 आ रही है, तो द्विघात समीकरण नहीं है बाबू,
नहीं है, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अधिकतम घात यदि दो हो तो वह द्विघात समीकरण है, पूरे में अधिकतम घात क्या होनी चाहिए आपकी, दो, तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब इस एक्सरसाइज को हल करना है तो कुछ फॉर्मूला हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा, उन फॉर्मूला को मैं अभी आपको सामने एक्सप्लेन करता हूं। ये फॉर्मूला आपको याद करके ही रखने हैं, ध्यान रखने हैं, रटके पटक देना है, जैसे भी आपको समझना है आप लिख सकते हैं। तो वो फॉर्मूला कौन कौन से हैं, ठीक है, इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख लो। नंबर एक फॉर्मूला, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। नंबर दो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए प्लस बी का क्यू मतलब पावर तीन, ए की पावर तीन प्लस पावर तीन प्लस तीन ए बी, या ए प्लस बी लिख देंगे। नंबर चार, ए माइनस बी ए की पावर तीन माइनस बी की पावर तीन माइनस तीन ए बी और ए माइनस बी, ये चार फॉर्मूला आपको याद करके रखने हैं, ठीक है। और ज़्यादा कठिन नहीं है कि इनको याद करना, बहुत ही टफ काम हो, देखो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, दो एक इसमें सिंबल का चेंज है ओनली, ये प्लस और ये माइनस, यदि प्लस है तो पूरे में प्लस 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 आएगा और यदि माइनस है तो अंत में माइनस आएगा, ठीक है। बाकी देखो ए प्लस बी मतलब ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ठीक है, और दोनों को मिला दे ए बी और टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसी पावर तीन है तो ए की पावर तीन बी की पावर तीन, और यहाँ दो लिखा था यहाँ क्या लिख देंगे अपन, तीन ए बी, सिंपल है ना, और ए प्लस बी, या माइनस है तो इसमें पूरे माइनस माइनस आ जाएगा। बहुत आसान है तरीके से, आप इसका फॉर्मेट बना के इसको याद कर सकते हो, और फिर भी कोई कठिनाई लगी आपको तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 4.1। चलो तो इसमें जो फॉर्मूला काम आएगा अभी वो आएगा ए प्लस बी का स्क्वायर, देखो है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 4.1 है आपकी प्रश्नावली, ये कहती है आपकी कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है x प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू टू ए एक्स माइनस थ्री, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है, तो आप अपन इसको हल करके देखते हैं एक बार इसको और समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, x प्लस वन इक्वल टू x माइनस थ्री, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से हम इसको हल करने वाले हैं। तो अभी हमने फॉर्मूला नंबर फर्स्ट जो पढ़ा था उसका यहाँ उपयोग करेंगे, क्योंकि तो यहाँ क्या है ब्रैकेट में प्लस है ना, ये a है और ये b, इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं b, और a प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला फिट होता है वो फर्स्ट वाला फिट होता है, तो यहाँ लिखेंगे अपन ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी प्लस टू ए बी, ठीक है, इसके अनुसार हम इसको हल करने वाले हैं। तो
ये जो फॉर्मूला जो खुला हुआ है, ये ब्रैकेट था, इसको हमने खोल दिया। इसी तरह इसको हम ओपन करने वाले हैं, खोलने वाले हैं, जो सब क्वेश्चन है अपना इसको अपन खोलने वाले हैं। तो एक एक स्टेप को आप ध्यान से रखें और ध्यान से देखें हम कैसे खोलने वाले हैं। इस एक्स को माना है अपन ने ए और ए को मान रहे अपन बी। क्लियर? चलो, तो इको लगाएंगे यहाँ पर। देखो, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर। खोलिए, ओपन कर लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इनको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं कुछ पल के लिए, है ना। ए ये आ गया और बी आ गया, क्या बचा आपका? प्लस। फिर क्या लिखा हुआ है? टू। ए क्या है आपका? एक्स। और बी क्या है आपका? वन। क्या हमने लिख दिया, ठीक है, बराबर लगा हुआ है, ये बराबर लगा दिया। अब देखो, दो गुना एक्स हो रहा है ना, तो दो गुना एक्स करेंगे तो दो एक्स, और टू मल्टीप्लाई थ्री करेंगे तो माइनस के सिक्स आ जाएगा। टू थ्री था सिक्स, दो तीन छः, ये आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अब तक तो अपन ने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला में सेट किया है। अब सॉल्यूशन हम आगे करते जाएंगे। एक्स का स्क्वायर इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर मतलब एक ही आएगा, दो गुना एक्स दो एक्स दो एक्स प्लस गुना एक, तो भी क्या आएगा? दो एक्स ही आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई। देखो, कुछ बच्चे कमजोर हैं, समझ नहीं आता, तो वापिस समझें चीज़ को। दो गुना एक्स, दो एक्स आ गया, उसका मल्टीप्लाई एक से करेंगे, गुणा एक से करेंगे, तो किसी भी संख्या का एक से गुणा करते हैं तो वही संख्या आपके आंसर में आ जाती है। तो दो एक्स आ गया आपका, बराबर दो एक्स माइनस छ। क्लियर? अब देखो यहां पर, अब देखो ये जो छ है साधारण नंबर है, ये भी एक साधारण नंबर है, ठीक है, बाकी x x के नंबर है, तो x x को इजी ले हो और इन नंबरों को एक तरफ लेके चलते हैं अपन। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का 2x, और 2x इक्वल किधर है? और ये प्लस का है, तो इसको इक्वल किधर लेके आएंगे? तो प्लस वाला सिंबल आपका माइनस में बदल जाता है, ठीक है। ये प्लस किधर आएगा? तो माइनस, इधर क्या बचा? माइनस के 6। और ये प्लस का वन है, इधर लेके जाएंगे तो प्लस का वन जाके इधर माइनस का वन। इक्वल के इधर या उधर, लेफ्ट साइड या राइट साइड, यदि हम नंबरों को लेते हैं, ठीक है, लाने ले जाने का काम करते हैं, तो उनके सिंबल बदल जाते हैं। प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखो यहाँ, देखो दो एक्स प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस और माइनस माइनस मतलब आपस में घट जाएगा, दो एक्स से दो एक्स कट गया, कुछ नहीं बचा, प्लस और माइनस माइनस मतलब जीरो आएगा, क्योंकि सेम नंबर में से सेम नंबर में सेम नंबर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? शून्य आएगा, मतलब कट गया, ठीक है। तो क्या बचा इधर? एक्स स्क्वायर बचा, कुछ बचा ही नहीं, बराबर बचा। इधर माइनस, इधर माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे छः और एक सात, पर दोनों नंबर माइनस में, तो आंसर भी किस में आएगा? माइनस में ही आएगा। अब क्या करेंगे? अब माइनस सेवन को इधर लेके आएंगे बराबर के इधर, इक्वल के इधर, तो एक स्क्वायर ये प्लस का माइनस का जो सेवन है, यहाँ के आपका प्लस का सेवन हो जाएगा, और इधर क्या बचा? जीरो, ठीक है। तो देखो ये समीकरण जो है, इसकी अधिकतर इस समीकरण के अंदर देखो आप जो निकल के आया लास्ट में, इस समीकरण के अंदर अधिकतम घात कितनी है? दो, है ना। अधिकतम घात कितनी है? दो। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? बस खत्म, टेस्ट सॉल्व, खत्म, यही, कुछ बचा ही नहीं। बहुत आसान तरीके से हमने इसको समझ लिया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन सेकंड करेंगे इसका, इसको हम इसको इरेज कर देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख लेता हूं मैं आपके।
एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू तीन माइनस एक्स। देखो अब जो हमने फॉर्मूला जो चार फॉर्मूला देखे थे अपन ने उनमें से कोई फिट हो रहा है क्या इधर? देखो यहाँ देखो आप, इसका स्क्वायर है पर इसका कोई स्क्वायर नहीं है ना क्यू है, तो वहाँ स्क्वायर थे या क्यू था, ए प्लस बी का ए माइनस बी का स्क्वायर था, पर यहाँ ऐसी कंडीशन कुछ भी नहीं है और वह पावर थ्री भी थी वो भी नहीं है, तो अर्थात उन चारों फॉर्मूला में से कोई सा भी फॉर्मूला यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है। तो भाई साहब अब क्या करें, नहीं हो रहा तो उसका अभी तो रास्ता है, समाधान है वो करते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला नहीं है कोई और तरीके से हमको करना पड़ेगा, तरीका क्या है देखते हैं। इसको जो करते हो लिख दो आप, माइनस दो एक्स लिख दिया, पहले इसको हम हल करते हैं इक्वल के इधर वाले को, माइनस दो तो कोई भी सिंबल नहीं है बीच में, तो मल्टीप्लाई का सिंबल हम मानते हैं, गुणा का हम चिन्ह मानते हैं, तो दो गुणा तीन करेंगे तो दो तिया छः, पहले बराबर लगा दो, दो तिया छः, माइनस का ये प्लस का है तो सिंबल माइनस में ही आएगा, क्योंकि गुणा में क्या होता है जो सिंबल लगा हुआ वो आ जाता है इसमें, ठीक है। अब इधर ही माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस में उत्तर आता, पर एक ही तरफ माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो माइनस और माइनस आ गया ना, देखो तो अपन ने इसका गुणा पहले इससे किया, अब इसका गुणा इससे भी करके देखेंगे, तो दो एक्स करेंगे तो दो एक्स, अब इधर माइनस तो माइनस और माइनस प्लस में आपका आंसर आ जाएगा इसका। अब आगे देखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स, ठीक है। अब देखो ये प्लस का दो एक्स है, इसको इधर ले आओ, फिर माइनस का दो एक्स, ठीक है, और इस सिक्स को इधर ले आओ, ये माइनस का इधर जाके प्लस का छः हो जाएगा, तो इधर क्या बचा जीरो, कुछ नहीं बचा। अब इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो जुड़ जाएंगे दो और दो चार एक्स, ठीक है, दो और दो चार, अब दोनों माइनस में तो उत्तर भी माइनस में ही आएगा, यहाँ प्लस के छः बचे या जीरो बचे। अब इसमें अधिकतम का कितनी है, दो ही है ना, तो ये भी क्या है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये लो दैट्स ऑल, खेल खत्म, पैसा हजम हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं इसका, एक्स माइनस दो एक्स प्लस वन एक्स माइनस एक एक्स प्लस तीन। अब देखो ये तो अलग ही होगा, कहीं पावर टू नहीं है कहीं पावर थ्री नहीं है, तो इसमें भी उन फॉर्मूला से कोई फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा है, तो भैया जी क्या करें, तरीके फिर भी हैं, कैसे, पहले x का गुना इससे करो, x x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब इस x का गुना एक से कर दो, ठीक है ना, दोनों प्लस में थे तो प्लस में आंसर आया था, अब x गुना एक करेंगे तो x ही आएगा, ये प्लस में ए प्लस में, तो आंसर किस में आएगा आपका प्लस में ही आएगा। अब बच गया दो, दो का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, दो गुना x करेंगे तो क्या जाएगा 2x, सिंबल किसका आएगा, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस का आएगा। अब दो का मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो दो एकम दो, माइनस प्लस माइनस ही आएगा, ठीक है, हो गया इधर का सॉल्व। अब ऐसे ही इधर का हम सॉल्व कर लेंगे, x गुना x एक स्क्वायर, x गुना तीन तीन एक्स, दोनों प्लस में आपके आंसर आ गए, एक गुणा एक्स तो एक्स आ जाएगा, एक एक्स लिख दो, एक्स लिख दो, बात एक ही है, एक एक्स लिखो खाली एक्स
चलेगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, एक गुना तीन तीन, माइनस प्लस क्या आएगा माइनस का। अपन ने यहाँ तक तो इसको हल कर लिया। अब देखो क्या कर सकते हैं आगे, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर को प्लस का आगे माइनस कट जाएगा, मतलब कट रहा है, या इक्वल की तरह बीच में इक्वल हो। और एक नया तरीका सीख लो, एक तरीका हम पहले चेक कर चुके हैं कि इसको इधर लाएंगे तो भी कट जाएगा। एक नया तरीका देखो इसमें, इक्वल के इधर उधर अगर समान संख्या हो तो वो कट जाती हैं, वो कट जाती हैं, सेम सेम है तो इससे ये कट गया। और यहां देखो ये x, ये भी x, तो समान गुणधर्म वाली संख्याएं ये है ना, समान है दोनों, x x से पीछे तो ये जुड़ सकती हैं, घट सकती हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड तो लगवा देती है, हो जाती है वो, सेम ना हो तो हो जाता है, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, माइनस प्लस माइनस होगा, मतलब दो एक्स में से एक्स को अपन माइनस कर देंगे, तो दो में से एक गया तो खाली एक्स ही बचेगा आपके पास, वो किसका माइनस का बचेगा, और माइनस के दो यहाँ पर हैं। क्या कुछ ऐसा इधर भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ये सेम एक्स की गुणधर्म वाली संख्या है, हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो तीन में से एक्स गया, मतलब तीन में से एक गया तो क्या बचा दो एक्स, सिंपल प्लस का बड़ा इसलिए प्लस माइनस हो जाएगा, इधर तीन आ गया। अब सभी को एक तरफ कर लो, आप देखो एक्स दो एक्स प्लस का जाके माइनस का दो एक्स, माइनस के दो ये माइनस के जाके प्लस का तीन, क्या बचा इधर शून्य बचा, कुछ बचा ही नहीं है इधर। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पर बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट थिंग से है, याद रखें माइनस का एक्स आ रहा है, माइनस माइनस प्लस करेंगे तब भी क्या आएगा आगे, दोनों माइनस में तो आंसर भी किस में आएगा आगे, माइनस में ही आएगा, जबकि माइनस में नहीं आना चाहिए, ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब इस वाले को इधर लाते हैं तो आंसर माइनस में आ रहा है, बिल्कुल माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि एक्स दो माइनस माइनस प्लस तो होगा पर माइनस के तीन एक्स हो जाएगा, वो दो एक्स एक एक्स तीन एक्स, वो माइनस का आएगा तो गड़बड़ है थोड़ी सी, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वल के इसको इधर लेके चलते हैं, क्योंकि माइनस वाला इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो देखो दो एक्स माइनस का आएगा तो प्लस का एक्स, ठीक है, माइनस के तीन माइनस के आगे भी प्लस का दो, क्या बचा इधर शून्य जीरो। अब दो एक्स, अब प्लस एक्स कितना हो गया तीन एक्स, माइनस प्लस माइनस तो माइनस के एक इक्वल टू क्या बचा जीरो। अब इसमें अधिकतम घात कितनी है ही नहीं, एक मानते हैं एक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और आ रहा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं, और लाइक करें, अपने दोस्तों को इनवाइट करें, शेयर करें इस चीज को, इस चैनल को। क्वेश्चन फोर्थ, एक्स माइनस तीन तो एक्स प्लस के वन देखो, इसमें भी कोई फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा है ना, आपको सिंपल तरीके से हम करते हैं इसको, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे करते हैं। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे दो एकम दो, एक्स दो है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसके अंदर, क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई एक से भी कर देंगे तो क्या जाएगा एक्स, दोनों प्लस हैं प्लस में आपका आंसर आ जाएगा। अब तीन का गुणा इससे कर दे, तीन दूनी छः एक्स, ये माइनस प्लस माइनस, तीन गुणा एक तीन, माइनस प्लस माइनस आ गया। इधर करो एक्स गुणा एक तो एक्स स्क्वायर आ गया है ना, एक्स गुना पाँच तो पाँच एक्स आ गया, दोनों प्लस के हैं प्लस आपका आंसर
आ गया। आगे चलो इसको करते हैं, इसका समाधान देखो, ये भी x, ये भी x, पावर एक है, पावर एक है ना, मतलब दोनों गुणधम समान है, तो ये दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं। हाँ, पर ध्यान रखना ये इससे नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी पावर दो है, तो इससे नहीं हो सकता, समान घात, समान गुणधर्म होने चाहिए तो हो जाएगा। तो दो एक स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस है, इसको काम करेंगे, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो छः में से एक गया तो पाँच एक्स, संख्या माइनस की बढ़ी है तो आंसर माइनस में ही आएगा, माइनस के तीन यहाँ पर हमने लिख लिया। अब देखो इस पूरे समीकरण को इधर ले आओ, तो दो एक स्क्वायर, ये कैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं, पहले आराम से ऐड कर लो, चाहो तो अभी प्लस का जाके माइनस का एक स्क्वायर, प्लस जाके माइनस का पाँच एक्स। अब सेम सेम को सेम सेम के साथ लिया हो आप, तो ये काम करो, है ना, अब इक्वल किधर तो आ ही गया, इक्वल किधर क्या बचा, शून्य, तो दो एक स्क्वायर, ये सेम गुणधर्म का है ना, तो इसको लिया हो माइनस, ठीक है। और ये मत करना कि एक ही समीकरण में लाने पर भी सिंबल चेंज कर दो, नहीं, इक्वल के इधर उधर लाएंगे तो होगा, अब तो सेम सेम चीजें, माइनस के पाँच एक्स, माइनस के पाँच एक्स, क्या हो जाए, माइनस का तीन बराबर जीरो। अब देखो दो इसके गुणधर्म सेम है, इसके सेम है ना, तो ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, तो दो एक स्क्वायर में से एक एक स्क्वायर गया तो एक स्क्वायर ही बचा, माइनस माइनस प्लस, पाँच और पाँच दस, दोनों माइनस में तो आंसर भी माइनस में ही आएगा, माइनस के तीन बराबर के जीरो, ये आपका समीकरण बन गया। और समीकरण देख के आपको मालूम चल गया होगा कि अधिकतम घात दो है, तो ये द्विघात समीकरण है भाई साहब, द्विघात समीकरण है, ये आपका क्वेश्चन फोर्थ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन फिफ्थ लेते हैं, दो एक्स, सॉरी एक्स माइनस तीन, एक्स माइनस एक, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, तो वही पैटर्न जो बताया अभी कुछ देर पहले किया था, वही पैटर्न से फॉलो कर दो आप, ठीक है। दो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो दो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई तीन से करो, तीन दो नहीं छः एक्स आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस में आ गया आंसर, ठीक है, एक गुणा ये एक्स करेंगे तो एक्स आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस में माइनस माइनस प्लस का तीन आ जाएगा, ये काम है कर दो, एक्स 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 स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई एक तो एक्स माइनस का आएगा, पाँच एकम पाँच एक्स प्लस का आएगा, पाँच गुणा एक करेंगे तो पाँच किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब सबको एक तरफ लिया आओ, आपको सिंपल एक काम कर दिया करो, बस कुछ मत करो, टू एक्स स्क्वायर माइनस के छः एक्स माइनस के एक्स प्लस के तीन, प्लस का जाके माइनस का एक स्क्वायर, माइनस का आके प्लस का एक्स, प्लस का पाँच एक्स, माइनस का प्लस का पाँच, इक्वल टू जीरो। अब सेम सेम को साथ ले आओ, दो एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, ठीक है ना, अब माइनस की छः एक्स, ये भी माइनस का एक्स, ये प्लस का एक्स, माइनस के पाँच एक्स, सेम सेम साथ में आ गया, पूरा एक ग्रुप बन गया ये वाला, तो ये अलग ग्रुप बन गया, क्या बचा, प्लस के तीन और ये भी प्लस के पाँच जीरो, दो एक्स में से एक एक्स गया तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस छः और एक सात, ठीक है ना, सात, देखो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, क्यों माथापच्ची करें, माइनस और माइनस प्लस, पर आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, सात एक्स प्लस के एक्स, ठीक है, इन दोनों को कर लेते हैं, कि इन दोनों को पहले सॉल्व कर लिया अपन ने, माइनस माइनस प्लस, आंसर माइनस में आ गया, एक्स ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो पाँच में से एक्स गया तो चार एक्स,
संख्या माइनस ही बढ़ी तो अंश माइनस में ही आ गया। दोनों प्लस के हैं तो प्लस के 8 आ जाएगा, 0 एक स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7 और 4 11 x, दोनों माइनस में 800 माइनस में आएगा, प्लस के 8 = 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ बिल्कुल है, तो द्विघात समीकरण है। करण है, ये 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस पहले क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बच गए, 6, 7, 8, ठीक है, ये आपको मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि इसी वीडियो में तीनों और कर दूंगा तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और फिर लेंथी वीडियो को ज़्यादा मेमोरी लेगी और फिर इसको अपलोड करने में, एडिटिंग करने में काफ़ी समस्या आती है। सो है ना, अब तो हम जो 3 क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में लेके चलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया वो समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।